हे गाइस, वेलकम बैक टू द नेदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ एक स्पेशल प्रोडक्ट। मैंने ऑनलाइन देखा था, ये एक शू क्लीनर है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी रेटिंग्स थी और ये शूज़ को बिल्कुल क्लीन कर देता था। जो भी लोग स्नीकर्स यूज़ करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इसकी यूज़ पड़ता है, क्योंकि स्नीकर्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं और स्पेशली जो लोग वाइट स्नीकर्स लेते हैं लाइक मेरी तरह, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये प्रोडक्ट। तो जल्दी से मैं करता हूँ इनकी इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं ये कैसा प्रोडक्ट है। उसके बाद मैं इसको ट्राई भी करूँगा कि क्या ये वाइट स्नीकर्स को अच्छे से साफ़ कर पाता है या नहीं। तो बने रहे इस वीडियो में। पर यार, चैनल पे न्यू आए हो तो जल्दी से जाके चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कॉमेंट करके, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप मेरे को देखेंगे, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था और इसमें दो हैं। सिंगल पीस मिल रहा था 200 समथिंग का, लेकिन कोई 250 के अराउंड हमें सिंगल पीस मिल रहा था। अगर लेकिन मैंने ये दो एक साथ मंगवाए हैं तो मुझे पड़े हैं ये 400 रुपये के, मतलब 399 में दो पीसेस पड़े हैं। तो जल्दी से मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। इसके लिए मुझे खोलना पड़ेगा, ये मेरे पास नाइफ है और ऊपर से इसको मैं हाथ से ही खींच के निकाल दूँगा। तो खोलने के बाद हमारे पास अंदर कुछ दो ऐसे की शू क्लीनर, स्नीकर क्लीनर नाम करके ऐसा प्रोडक्ट निकल जाएगा। इसकी पैकिंग तो ऐसा ही है, अब दूर से आया तो ऐसा ही आएगा। और ये खुला हुआ है यहाँ पे, तो इसको खोलेंगे तो खोलने के बाद एक ऐसा कुछ ब्रश हमें मिल जाएगा जैसे फेस वॉश में भी अक्सर होता है, लेकिन ये शू क्लीनिंग करने के काम आता है। उसके अलावा एक चीज़ और है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आपके शूज़ पर डस्ट वगैरह लगी है तो इससे आप उसको साफ़ कर सकते हो। और डस्ट क्लीन करने के बाद ये शायद इसमें इसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसकी फॉर्म निकलेगी और उसको हम क्लीन कर सकते हैं शूज़ को। तो जल्दी से अब मैं भी अपना एक स्नीकर लेके आता हूँ और ट्राई करेंगे कि क्या ये वर्क करता है या नहीं। अगर तो ये वर्क कर गया ना, मतलब अच्छे से इसने शूज़ को साफ़ कर लिया, तो ये तो एक अच्छा प्रोडक्ट रहने वाला है और मुझे ऐसा लगता है ये करेगा, क्योंकि जिस तरीके की इसकी पैकिंग है आप देख सकते हैं। इस पर अगर MRP की बात की जाए, और MRP लिखी है इस पर 999, मतलब 1000 रुपीज़, इतना तो होता नहीं है। बट हाँ, सिंगल पीस अगर आपको लेना हो तो 250 के अराउंड आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट ये मिल जाएगा, लेकिन दो पीसेस आप लोगे तो आपको 200 का पड़ जाएगा। तो 200 में बेनिफिट है अगर किसी को भी मंगवाना है। तो दूसरा भी खोल के मैं देख लेता हूँ इसमें है या नहीं है। तो दूसरे में भी सेम टू सेम ऐसी ही बॉटल है और साथ में एक ब्रश और है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये ब्रश काफ़ी काम आता है, डस्ट वगैरह लगी हो शूज़ पे उसके बाद आप अच्छे से साफ़ कर सकते हो, उसके बाद एक कपड़े से साफ़ करना शायद। तो चलिए अब मैं शूज़ को लाता हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो गाइज़, ये हैं मेरे वाइट स्नीकर्स और इनकी हालात आप देखिए। मैं कश्मीर से इनको पहन के आया था और इनकी हालात काफ़ी ख़राब हो गई है। ये देखें आप, वे वाइट से कम और डार्क ब्लैक हो रहे हैं एक किस्म के। अभी आपको वीडियो में शायद वाइट आ रहा होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डस्ट इस पर लगी हुई है। तो सबसे पहले इसको ट्राई करेंगे, सबसे पहले इस ब्रश जो हमारे पास है। तो नीचे मैंने कपड़ा रखा है और इसको साफ़ करने की कोशिश मैं करता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा डस्ट इस पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डस्ट रहेगी तो ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले इस ब्रश से इसको साफ़ करेंगे और उसके बाद आती है ये चीज़। अब इसको ट्राई करेंगे फोम लगा के कि क्या ये से ये साफ़ हो सकता है या नहीं। इसको शूज़ को लगाएंगे, आपको शायद दिख रहा होगा ये इसमें फोम निकल रही है, ये सामने से निकल रही है। खुशबू कुछ अजीब सी है, तो गाइस मेरे दोनों स्नीकर्स एकदम चकाचक बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं अब, क्योंकि जो हालात इनकी पहले थी अब देखिए मच बेटर हो गई है। तो यार, ये प्रोडक्ट वर्क करता है और ये बड़े अच्छे से वर्क करता है। यू कैन ईज़िली गो फॉर इट, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको ले सकते हो। और मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप भी वाइट शूज़ या स्नीकर्स यूज़ करते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि जब भी वाइट स्नीकर्स ख़राब होते हैं तो उनको पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आप डेफिनेटली उनको दोबारा अच्छे से यूज़ कर पाओगे और बिल्कुल आपको नए वाली फीलिंग आएगी, जैसे मुझे अभी आ रही है ये शूज़ देख के। तो आपको अगर ये लिंक प्रोडक्ट लेना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको वहाँ से शॉप कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे आपको इजीली मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर ऐसी ही वीडियोस और भी चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।